हल्द्वानी के एमपीपीजी कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने कौशल बिरखानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं एबीवीपी से रश्मि लमगड़िया भी टिकट की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन उनका टिकट कटकर कौशल बिरखानी को संगठन ने एमपीपीजी कॉलेज से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं रश्मि लमगड़िया अपने समर्थकों के साथ एबीवीपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटा और संगठन को महिला विरोधी बताया। साथ ही रश्मि ने संगठन के पदाधिकारियों पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। हल्द्वानी से दीपक का अधिकारी की रिपोर्ट। रात के 11 बजे 11:30 बजे मुझे मीडिया द्वारा ये सूचना मिलते कि वहाँ पे टिकट हो चुका है, तुम्हारा क्या निर्णय है। मतलब मेरा संगठन, मैंने इतने सालों से, हमारा ये संगठन है परिषद, मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करा है, 5 सालों से, जिसका साक्षी पूरा हल्द्वानी परिवार है, पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तराखंड है, इसका साक्षी मेरे कामों की चर्चा हुई है। बड़े बड़े पदाधिकारियों, उच्च स्तर के पदाधिकारियों ने मुझसे बोला है कि रश्मि बहन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी, एक तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो यूनिवर्सिटी से जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कभी भी अगर परेशानी हो यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है, तो उसमें हमारा ये मुद्दा है कि कॉलेज में एक ऐसा पोर्टल खोला जाए जिसमें बच्चों का समस्या का तुरंत सावधान हो जाए। तो मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे ने अपना कंप्लेंट डाल रखी है उसमें, और तो तुरंत वो हो जाए, उसमें सॉल्यूशन उसको 24 घंटे के अंदर मिल जाए। हमारे एक ये मुद्दा है। एक हमारा कॉलेज के जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये पार्किंग हो गया और साफ़ सफाई, ये मुद्दा है। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का कई सालों से चल रहा है, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो हुआ है।